हे दोस्तों, फाइनली व्यू ने अपने सिनेमा सीरीज की 32 इंच और 43 इंच स्मार्ट टीवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है काफी एग्रेसिव प्राइस में। तो गाइस, आज की वीडियो में यहाँ पर हम इन टीवीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि क्या ये टीवीज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आते हैं या फिर नहीं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो बस गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो अब दोस्तों फाइनली वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर व्यू ने अपनी सिनेमा सीरीज की 32 इंच और 43 इंच स्मार्ट टीवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और ये दोनों ही टीवीज फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। और रही बात इन टीवीज की सेल कब से शुरू होने वाली है, तो गाइस अभी फिलहाल इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना क्योंकि वहां पर मैं सारी चीजें अपडेट कर दूंगा जो इस वीडियो में मिसिंग है। अब गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस, जो व्यू की 32 इंच स्मार्ट टीवी की प्राइसिंग है वो है सिर्फ 13,000 रुपीज और ये टीवी एचडी रेडी रेजोल्यूशन के साथ आती है। और वही अगर हम बात करें 43 इंच की, तो गाइस ये टीवी फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है और यहां पर इसकी जो प्राइसिंग है वो है सिर्फ 22,000 रुपीस और ये दोनों ही टीवीज गाइस फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। अब गाइस यहां पर हम बात करते हैं कि इन टीवीज में हमें स्पेसिफिकेशंस क्या मिलते हैं और लास्ट में जानेंगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है और क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी एंड डिस्प्ले पैनल की। तो गाइस दोनों ही टीवीज अलग अलग स्क्रीन साइज के साथ आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसी के साथ दोस्तों दोनों ही टीवीज में आपको ADS पैनल मिल जाता है, A+ ग्रेड का ADS पैनल दोनों टीवीज में यूज किया गया है। और सबसे पहले यहाँ पर गाइस सवाल यही आएगा कि भाई ADS पैनल क्या होता है और क्या इसकी क्वालिटी होती है। तो गाइस बेसिकली ADS पैनल को आप IPS पैनल और VA पैनल का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो क्योंकि इस पैनल में आपको अच्छी व्यूइंग एंगल के साथ में अच्छी ब्राइटनेस और अच्छे कलर्स देखने मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो IPS पैनल्स के हिसाब से ADS पैनल एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। तो इन दोनों टीवीज में आपको ADS पैनल मिल जाता है A+ ग्रेड का, तो यहां पर गाइस आपको अच्छी व्यूइंग एंगल और अच्छी ब्राइटनेस के साथ में यहां पर ये टीवी मिलने वाली है। तो गाइस पैनल के मामले में दोनों टीवीज काफी अच्छे निकल कर आते हैं। इसके अलावा गाइस रही बात की इन टीवीज में आपको कितने निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो गाइस फिलहाल इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि इन टीवीज में आपको कितने निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। और अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो गाइस एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, अगर मुझे पता चलता तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगा। लेकिन गाइस अगर बात करें मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से गाइस इन टीवीज में आपको लगभग 300 निट्स तक की ब्राइटनेस एटलीस्ट तो मिलनी ही चाहिए, तब जाकर ये टीवीज काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाय द वे दोस्तों, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना। और अगर हम बात करें इन टीवीज के डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो की, तो गाइस इन टीवीज में आपको 10:1 का डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिल जाता है, यानी कि गाइस इन टीवीज में आपको अच्छे ब्लैक्स और अच्छे व्हाइट्स देखने मिलने वाले हैं और ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी होगी वो काफी अच्छी होने वाली है। और गाइस मैंने व्यू के बहुत सारे को एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे हर टीवीज में पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। तो यहां पर गाइस पिक्चर क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब गाइस यहां पर हम बात करते हैं डिजाइन की, तो गाइस ये डिजाइन काफी यूनिक है। यहां पर आपको बेजल लेस डिजाइन मिल जाता है, बेजल्स बहुत ही थिन देखने मिलते हैं एंड इसी के साथ दोस्तों आपको टीवी के नीचे एक साउंड बार अटैच मिल जाता है। और अगर हम बात करें टीवीज के साउंड डिपार्टमेंट की, तो गाइस दोनों टीवीज में आपको टोटल 4 स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, जहां पर आपको 2 मेन स्पीकर्स मिलने वाले हैं जो कि आपके मिड और लोअर साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। और इसी के साथ गाइस आपको 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं जो कि आपके हायर वॉल्यूम को प्ले करने में हेल्प करते हैं। तो गाइस यहां पर आपको दोनों टीवीज में टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी टोटल आउटपुट है 40 वॉट की। और गाइस यहां पर आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी ऑडियो दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है। तो गाइस यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों टीवीज में काफी अच्छी और लाउड साउंड आपको देखने मिलने वाली है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं इन टीवीज की परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज यूनिट की, तो गाइस दोनों ही टीवीज में आपको 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है और डुअल कोर जीपीयू मिल जाता है। लेकिन गाइस कंपनी ने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस टीवी में आपको कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है और कौन सा जीपीयू मिल रहा है। इसके अलावा गाइस बात करें यहां पर रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की, तो दोनों ही टीवीज में आपको 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से 43 इंच वाले वेरिएंट में आपको एटलीस्ट 1.5GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल गाइस यहां पर अगर 1 भी है तो फिर इससे भी आपका काम जो है चल जाएगा। अब गाइस यहां पर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो गाइस दोनों ही टीवीज एंड्रॉइड 9 पाई पर रन करती हैं, सभी एप्स और सभी फीचर्स का सपोर्ट आपको दोनों ही टीवीज में मिल जाता है। और इसी के साथ दोस्तों काफी अच्छी बात यह है कि दोनों ही टीवीज के रिमोट में आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है। तो गाइस जैसे आप सभी को पता है व्यू की 32 इंच टीवी में आपको मोस्टली वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन गाइस इस बार आपको दोनों टीवीज के रिमोट में गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है।
और इसी के साथ दोस्तों दोनों टीवीज के रिमोट में आपको सभी पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के हॉट कीज भी मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर बात करें ओवरऑल टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो गाइज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, सभी लेटेस्ट फीचर्स का सपोर्ट मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिल जाता है, और इसी के साथ दोस्तों आप अपने आईफोन या फिर एप्पल डिवाइसेस को इस टीवी में कास्ट कर सकते हो एयरप्ले के थ्रू। तो गाइज ये भी काफी अच्छी ऑप्शन लगी है मेरे हिसाब से। अब गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शन की, तो गाइज दोनों ही टीवीज में आपको सिंगल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो गाइज 32 इंच वाले वेरिएंट में आपको 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलते हैं, और 43 इंच वेरिएंट में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिलते हैं। और इसी के साथ दोनों ही टीवीज में आपको गाइज HDMI ARC और HDMI CEC पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको दोनों टीवी में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गाइस दोनों टीवीज में आपको RF पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, AV पोर्ट और इथरनेट पोर्ट मिल जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ गाइस दोनों टीवीज में आपको हेडफोन जैक का भी सपोर्ट मिलता है। तो गाइस ये थे टीवी के पूरे डिटेल स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पर जो ब्राइटनेस वगैरह कुछ स्पेसिफिकेशन मिसिंग है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो गाइस आप यहाँ पर बात करते हैं कंक्लूजन की, जो हमने यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखे हैं, अब सवाल आता है कि क्या ये टीवीज इस प्राइस रेंज में इस स्पेसिफिकेशन के साथ में एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आते हैं। तो गाइस अगर पर्सनली मैं बात करूँ 32 इंच वेरियंट की, इसकी प्राइसिंग है सिर्फ 13,000 रुपीज, और गाइस इस प्राइस रेंज में आपको 40 वॉट्स के स्पीकर्स मिल जाते हैं, जहां पर आपको टोटल 4 अलग अलग स्पीकर्स मिलते हैं, ट्विटर्स का भी यहां पर सपोर्ट मिलता है, तो बेसिकली यहां पर आपको सराउंड साउंड यहां पर इस टीवी में देखने मिलने वाला है। इसी के साथ में यहां पर आपको ADS पैनल मिल जाता है, जहां पर आपको अच्छी ब्राइटनेस के साथ में अच्छी व्यूइंग एंगल्स भी देखने मिलने वाले हैं। इसके अलावा गाइस टीवी सभी फीचर्स के साथ आती है। सो गाइस अगर देखा जाए तो ये 32 इंच की स्मार्ट टीवी इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन निकल कर आ रही है। तो गाइस अगर आपको 13,000-14,000 रुपीज में कोई स्मार्ट टीवी लेनी थी, तो मैं आपको डेफिनेटली व्यू की सिनेमा 32 इंच स्मार्ट टीवी को ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि गाइस यहां पर आपको पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी काफी बेहतरीन मिलती है, जो कि इस रेंज में बाकी अदर टीवीज आपको नहीं प्रोवाइड कराते हैं। और गाइस अगर कंपटीशन की बात करें, तो इस टीवी का डायरेक्ट कंपटीशन है रियलमी टीवी, और रियलमी टीवी से अगर हम कंपेयर करें तो गाइस पिक्चर और साउंड क्वालिटी में व्यू की टीवी रियलमी से थोड़ी सी बेटर निकल कर आने वाली है। अब गाइस यहां पर हम बात करते हैं कि क्या हमें 43 इंच वेरिएंट लेना चाहिए। गाइस 43 इंच वेरिएंट की भी प्राइसिंग काफी अच्छी रखी गई है, 22,000 रुपीज यहां पर आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिल जाता है, बाकी सारे फीचर्स यहां पर आपको मिल जाते हैं। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से अगर यहां पर अगर आपको रैम और इंटरनल स्टोरेज इस वेरिएंट में अगर इंक्रीज करके मिलती तो काफी अच्छा होता, लेकिन गाइस फिर भी 1GB और 8GB रैम में आपका काम चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो गाइस अगर आप इस टीवी को भी लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो, ये टीवी भी काफी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। और अगर आपको 4K टीवी चाहिए, तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े पैसे और डाल के 4K ले लो, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में 4K कंटेंट ज्यादा प्ले होने वाले हैं। तो गाइस सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि दोनों टीवीज काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आते हैं, आप इन दोनों टीवीज को ले सकते हो, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं। लेकिन गाइस एक बार थोड़ा सा वेट कर लो, 2-3 वीडियोस देख लो, रिव्यू वगैरह देख लो। फिलहाल हम भी ट्राई करेंगे कि इन टीवीज की अनबॉक्सिंग लाने की, मेरी भी पूरी कोशिश है, हो सके तो मैं इस टीवी को बाय करके आपके अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। और गाइस रही बात की इन टीवीज की कंपैरिजन की, तो गाइस कंपैरिजन वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।